सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल के बटन को दबाइए और लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाइए। उत्तर कोरिया ने शनिवार सुबह कोरियाई प्रायद्वीप और जापान के बीच समुद्र में 3 मिसाइलें दागी हैं। दक्षिण कोरिया ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि उत्तर कोरिया ने समुद्र में कई अज्ञात मिसाइल दागे हैं। वहीं अमेरिका के हवाई स्थित पैसिफिक कमांड ने कहा कि पहला और तीसरा मिसाइल प्रक्षेपण में ही फेल हो गया, जबकि दूसरा मिसाइल छोड़ने के तुरंत बाद फट गया। ऐसा प्रतीत होता है कि अपने परमाणु हथियारों एवं मिसाइल कार्यक्रम को लगातार आगे बढ़ा रहे देश की ओर से किया गया यह हालिया हथियार परीक्षण है। बता दें कि प्योंगयांग और वाशिंगटन के बीच एक महीने से चल रही बयानबाजी से तनाव बढ़ रहा था। सोल के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ JCS ने कहा कि मिसाइलों को उत्तर कोरिया के पूर्वी तट से दागा गया है। यह लगभग 250 किलोमीटर तक उड़ा। JCS ने कहा कि दक्षिण कोरिया और अमेरिकी सेनाएं प्रक्षेपण का विश्लेषण कर रही हैं। प्रशांत कमांड के एक प्रवक्ता कमांडर डेव बेनहम ने एक बयान में कहा, हम अपने इंटेलिजेंसी साझेदारों के साथ और अधिक विस्तृत आकलन पर काम कर रहे हैं, साथ ही हम सार्वजनिक अपडेट प्रदान करेंगे। बता दें कि इस प्रक्षेपण से कुछ ही सप्ताह पहले उत्तर कोरिया ने अमेरिका को गुआम की ओर मिसाइलें दागने की धमकी दी थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच गतिरोध की स्थिति पैदा हो गई थी। उत्तर कोरिया ने जुलाई में 2 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रक्षेपण किया था। विश्लेषकों का कहना था कि ये मिसाइलें अमेरिकी मुख्य भूभाग तक पहुँच सकती हैं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।